हमने सीखा, पदार्थ स्थान घेरता है तथा उसमें द्रव्यमान होता है। पदार्थों को मिश्रण तथा शुद्ध पदार्थ में वर्गीकृत किया जाता है। मिश्रण में एक से अधिक पदार्थ किसी भी अनुपात में मिले होते हैं। इनमें अवयवी पदार्थों के गुण पाए जाते हैं। ज़्यादातर अवयवी पदार्थों को सामान्य भौतिक विधियों द्वारा अलग किया जा सकता है। मिश्रण में जब अवयवी कणों का वितरण समान हो तो उसे समांगी तथा वितरण असमान हो तो उसे विषमांगी मिश्रण कहते हैं। विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण है। विलयन का वह अवयव जिसकी मात्रा अधिक हो उसे विलायक तथा जिसकी मात्रा कम हो उसे विलेय कहते हैं। विलयन की सांद्रता का अर्थ है किसी विलयन की दी गई मात्रा में उपस्थित विलेय की मात्रा। वह मिश्रण जिसमें कणों का आकार इतना बड़ा हो कि उसे आँखों से देखा जा सके निलंबन कहलाता है। कोलाइड में कणों का आकार इतना छोटा होता है कि उन्हें देखा नहीं जा सकता। ये कण प्रकाश के मार्ग को फैला देते हैं, अतः उसका मार्ग दिखाई देता है। शुद्ध पदार्थ तत्व या यौगिक होते हैं। तत्व को रासायनिक विधियों द्वारा सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता है। यौगिक वह पदार्थ है जो दो या दो से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग से बनता है। यौगिक के गुण उसमें उपस्थित तत्वों के गुणों से भिन्न होते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के अभिकारकों का कुल द्रव्यमान उत्पादों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। यह पदार्थ की अविनाशिता का नियम कहलाता है। किसी भी यौगिक में अवयवी तत्व द्रव्यमान के आधार पर सदैव एक निश्चित अनुपात में होते हैं। इसे निश्चित या स्थिर अनुपात का नियम कहते हैं।